हमें पूरी जा रही है यहाँ से। आप देख सकते हो तो गाइस ये है इसका फ्रंट व्यू। मुझे डर लग रहा है चीजों को दबाने में, कहीं ऐसा ना हो कि ये चल पड़े। 80 हॉर्स पावर यानी कि मतलब कितना पावरफुल इंजन होगा इसका। सामने दिल्ली का स्टेशन है और ये चल तो नहीं पड़ेगी ना ये। हाय गाइस, तो स्वागत है आपका एक और नए मजेदार वीडियो के अंदर। सो गाइस, जो आज की लोकेशन होने वाली है वो है रेल म्यूजियम। सो गाइस, इस लोकेशन की एक डिटेल ये है कि यहाँ पे काफी सारी ट्रेन्स की हिस्ट्री मौजूद है। वो सारी डिटेल हम अभी आपको वीडियो के अंदर लोकेशन के अंदर जाके देते रहेंगे। तो वीडियो बहुत मजेदार होने वाले है गाइस, तो प्लीज वीडियो को स्किप मत करना। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और पास में आपको बेल आइकन दिख रहा होगा उसे प्रेस जरूर कर देना गाइस। तो चलिए फिर टाइम को वेस्ट करे बिना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, सो गाइस फाइनली अभी हम लोकेशन में एंटर हो चुके हैं। और जो इस लोकेशन का गाइस टिकट प्राइस वगैरह है वो वीकेंड में होता है गाइस 100 रुपीज़ का, लेकिन अगर आप वीकडेज में आते हो तो वही टिकट आपको पड़ जाएगा 50 रुपीज़ का। 50 रुपये का टिकट पड़ेगा। एंड अगर आपके साथ कोई बच्चा है तो बच्चों का टिकट गाइस वीकडेज के अंदर पड़ता है आपको 10 रुपये का, और वीकेंड में वही टिकट 20 रुपये का पड़ जाएगा। तो चलिए अंदर एक्सप्लोर करते हैं सारा लोकेशन को और ये दिखाते हैं गाइस। ये गाइस आप देखो, ये पूरा इंजन है। इसके अंदर अगर आप चाहो तो गाइस, चलो मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ इसके। पुराने जमाने में जहाँ पे कोयला डाला जाता होगा। अब मुझे डर लग रहा है चीजों को दबाने में, कहीं ऐसा ना हो कि ये चल पड़े। बाकी गाइज आप देख सकते हो कितने सारे, ये गाइज आई थिंक ब्रेक है, और फिर ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं गाइस। चलते हैं फिर आगे लेके आपको दिखाते हैं। तो बाकी गाइस अब आगे और लोकेशन बहुत बड़ी है, फिर चलते हैं आगे लेके आपको, देन दिखाते हैं पूरा इस लोकेशन का। सो गाइस अभी हम एंटर कर चुके हैं और यहाँ पे ट्रेन का इंजन रखा हुआ है MTR N2। अभी हमारे उमर भाई इस पर चढ़ेंगे। उमर भाई लेके मत भाग जाना कहीं, उमर भाई कहीं लेके मत भाग जाना इंजन ही। नहीं हो भी सकता है भाई, बिल्कुल स्टार्ट हो गया था, घर जो ना इसी से चलेंगे। मैं ऐसा कर दो तो अरे अगर ये स्टार्ट होता है गाइस तो इसी से घर जाएंगे यार। जबरदस्त चीज लग रही है, ये ब्रेक है इसका, आई थिंक पता नहीं क्या ये ब्रेक है, पैडल है। बाकी ये पुराने जमाने की लंदन की है। अच्छा, लंदन की है। आप देखो ना थोड़ा स्ट्रक्चर देखो आगे से। अच्छा, एक सेकेंड, हमारे को फिल्मों में भी देखने को मिलता है। तो गाइस आपको दिखाते हैं। अच्छा, पूरा इंजन देख के ना एक जगह छोटी सी ने एक जगह की ओर याद आई है, हैरी पॉटर किसी ने देखी है? हाँ हाँ भाई देखे थे। अच्छा, सो गाइस ये है इसका फ्रंट व्यू, आप देख सकते हैं कि कैसा इंजन है। और हमारे उमर भाई वहाँ सामने इंजन पे बैठे हुए। मोनू भाई आगे से हट जाओ, उमर भाई कहीं उड़ा दे तुम्हें। अच्छा लटका हुआ है, चलो बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, आगे बैठो जरा। अरे उमर भाई ने इंजन छोड़ दिया, अब तो रुकेगी नहीं है ऑटोपायलट में। ओ अच्छा, उस टाइम पे ऑटोपायलट होता था पता नहीं, लेकिन अभी तो लगा है। हैरी पॉटर की मूवी में जब आई है ये। अच्छा, बैठ जाते मैजिकल ऑटोपायलट दे रखा होगा इसमें। अच्छा, हैरी पॉटर को छोड़ो, फिलहाल गाइस आते हैं वीडियो के अंदर। बाकी आप देख सकते हो पीछे इंजन बड़ा जबरदस्त है, बड़ा प्यारा लग रहा है और बहुत हैवी सा लग रहा है। सो गाइज अभी तो ये एक पोर्शन था, बाकी दूसरा पोर्शन बैक साइड पे है, तो अभी हम वहीं चलेंगे। बाकी गाइज लोकेशन ऐसी है कि बच्चों को तो बहुत मजा आने वाला है। और दूसरी चीज ये, यहाँ पे ज्यादातर फैमिलीज आई हैं, तो ऑब्वियसली गाइज बच्चों को तो ऐसी चीजों में बहुत ज्यादा मजा आता है और ऐसी चीजें होती हैं जो उनको काफी एंटरटेन करती हैं। तो अभी तो हम चल रहे हैं दूसरे पार्ट की तरफ इस लोकेशन के, काफी बड़ी लोकेशन है। और अगर आप वीकेंड पे अगर यहाँ आते हो तो यहाँ आपको बहुत भीड़ मिलने वाली है। हाँ, क्राउड बहुत ज्यादा होता है वीकेंड पे गाइज, यहाँ पे क्राउड बहुत ज्यादा होता है। वो तो ऑब्वियसली गाइज आप किसी भी लोकेशन पे जाते हो वीकेंड के अंदर, सब लोगों की छुट्टी वगैरह होती है तो क्राउड वहाँ पे आपको बहुत मिलता है। तो गाइज यहाँ पे एक म्यूजियम भी है, तो दिखाता हूँ। यहाँ पे थोड़े फास्ट फूड कॉर्नर भी हैं, अगर आप फैमिली वगैरह के साथ आके यहाँ पे कुछ स्नैक्स वगैरह लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो। सामने जॉन्स मॉरिस फायर इंजन है गाइस, ये पहले आप देख सकते हो टिन में था। पहले फायर ब्रिगेड तो किस टाइप की हुआ करती थी वो आप पोर्शन में देख सकते हो। तो एक बार जाके मैंने फिर थोड़ा दिखा रही। अच्छा, इसकी एक खासियत है ये जिस जगह पे बना था वो UK यानी कि लंदन की है। और इंजन की जैसे आप देख सकते हो लिखा हुआ वाटर कूल्ड 4 सिलेंडर्स
80 हॉर्स पावर यानी कि मतलब कितना पावरफुल इंजन होगा इसका, ये सोचिए आप। और ये गाइस आप देख सकते हो, एक बार इसको थोड़ा यहाँ से देखो कितना ज़बरदस्त लग रहा है। मतलब इस तरह से आपने कार्टून्स वगैरह में देखा होगा पहले, तो इसी तरह का ये फायर इंजन बना हुआ है। बाकी एक बार हम इसके साइड पोर्शन में भी आपको ले आके दिखाता हूँ। ये आप पूरा यहाँ से इसको इलाबरेट कर सकते हो। एंड गाइज ये फिर कितना ज़बरदस्त लग रहा है। और टूल बॉक्स भी रखा है यहाँ पे। हाँ टूल बॉक्स भी है, टूल बॉक्स तो ऑब्वियसली रहता होगा, लेकिन आप देखो गाइस पहले कैसे टूल बॉक्स हुआ करता था, अब तो काफ़ी हाईटेक हो चुका है। एंड यहाँ पे ये कोई शॉप है गाइस, तो यहाँ कुछ भी खरीद सकते हो। और ये देख सकते हो गाइस आप दीवारों पे पुराने स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। ये राजेश खन्ना है, मेरे सपनों की रानी कब आएगी। हाँ एक गाना हुआ करता था ना, मेरे सपनों की रानी कब, तो उसी का मतलब थोड़ा सा इन्होंने टेक्सचर दे रखा है। ये राजेश खन्ना जी है। एंड ऐसी गाइस एक स्ट्रक्चर यहाँ बना रखा है, ये तो पूरा DDLJ वाला है। ये देखो जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। और ये गाइस ये रहे शाहरुख खान सर की एक पोस्ट चेन्नई एक्सप्रेस का, और जब दीपिका पादुकोण आ रही होती है ट्रेन के लिए। बाकी गाइस यहाँ पे ये है सारा। सो गाइस ये आप देख सकते हो, ये एक ट्रेन का डब्बा है। हाँ नीलगिरी कोच है गाइस। और ये देख सकते हो आप, ये ट्रेन की पटरियों पे मैं चल रहा हूँ, ध्यान से चलना पड़ेगा कहीं आगे पीछे से कोई ट्रेन ना उड़ा दे। बाकी गाइस आप देख सकते हो ज़बरदस्त लग रहा है। और इसी तरह से ये एक इंजन खड़ा हुआ है, इसको भी मैं दिखाता हूँ आपको पास से। एंड आप ये देख सकते हो गाइस ज़बरदस्त लग रहा है। इसमें वैसे आप जाके पिक वगैरह क्लिक कर सकते हो, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि इसमें आप पिक वगैरह जो चाहो ले सकते हो। बाकी जैसे जैसे देखो आप, ये भाई ले रहा है। इसी तरह से गाइस यहाँ पे बहुत सारे इंजन्स खड़े हैं, अभी चलते हैं फिर आगे लेके। एंड ये गाइस आप देखो, बहुत ध्यान से चलना पड़ेगा, यहाँ ट्रेन की पटरियाँ बिछी हुई हैं गाइस, ये देख सकते हो, इस पर कहीं गिर गिराने का खतरा रहेगा, तो गो स्वान। बाकी ये इंजन ये है, इस पर भी आप चाहो तो अपना पिक वगैरह ले सकते हो। इंडियन रेलवेज में जितनी भी ट्रेन यूज़ करी जाती थी पुराने टाइम में, वो आज सारी यहीं खड़ी हुई मिलेंगी। हाँ मतलब एक साथ है। और जितनी भी मतलब आज़ादी के टाइम पे या जब ब्रिटिश रूल था, गदर फिल्म देखी है ना, गदर। हाँ वो सारी ट्रेन्स गाइस आपको यहाँ मिल जाएंगी। अभी हम आपको दिखाते हैं, बहुत सारी ट्रेन्स यहाँ पे अवेलेबल हैं गाइस। See your stars, but the dark gets lonely. Now I see violet, I can feel silence. And the dark's all that I see. When your stars have burnt out, and your heart makes no sound, I'll find violet in your eyes. You'll always be my night sky. गाइज ये आप देख सकते हो, ये एक ब्रिज है, आप इस पे से चलते हैं। हम भी डोंट नो कहाँ निकलेगा ये रास्ता, हो भाई ध्यान से चलना पड़ेगा। एंड गाइज एक ये देख सकते हो ज़बरदस्त बना हुआ है। एंड इसी तरह से गाइज ये काफ़ी सारी यहाँ ट्रेन्स हैं, और यहाँ पे ट्रेन की राइड भी है गाइज, वो भी अभी हम लेंगे। सो ये यही है गाइस, फिर आगे एक और पोर्शन है वो भी दिखाते हैं आपको, चलते हैं फिर आगे लेके। अब चलेंगे हम इस वाले ब्रिज से गाइस, ये जो ब्रिज है गाइस ये आप देख सकते हो, नीचे देख के चलना पड़ेगा गाइस। यहाँ पे ये गड्ढे हैं, तो ध्यान से चलना पड़ेगा इसमें। ये भागने का काम मैं करूंगा। नहीं, यहाँ पे तो जो है वाली आ रही है। ये हमारी अगर आपने गाइस देखा होगा लास्ट वीडियो, उसमें ये वाली फीलिंग आई थी समीर, जब EOD हमने करा था, बहुत जोर की लगी थी। ये आप देख सकते हो गाइस, ये कैबिन बढ़ती जा रही है। अरे ब्रिज कमजोर है भाई,
ज्यादा नहीं, 4-5 फीट नीचे, 2-3 ज्यादा नहीं, 4-5 फीट नीचे और 2-3 टांगे टूटेंगी, ऊपर वाला और देगा। गाइज लोकेशन इतनी मस्त है कि ये दोनों तो बिल्कुल पागल हो चुके हैं, कभी DDLJ इन्हें याद आ रहा है, कभी शाहरुख खान इन्हें याद आ रहा है। अब मुझे नहीं पता ये लोग क्या सोच रहे हैं और किस तरह से ये चीज़ें बोल रहे हैं, बाकी ये आप इनसे कमेंट करके पूछ लेना। बाकी लोकेशन मस्त है गाइज, मज़ा आ रहा है, बच्चे बहुत खुश हैं और काफ़ी बड़ी लोकेशन है तो चलना तो बहुत पड़ रहा है, लेकिन दूसरी चीज़ ये कि हिस्ट्री का काफ़ी पार्ट यहाँ पे सीखने को मिल रहा है। एंड गाइज यहाँ से आप देखो ये पूरा DDLJ वाली फीलिंग आ रही है। नहीं भाई, मैं लटका हुआ हूं पूरा, ये सिमरन आ जा आई। ये गाइस इस तरह से मतलब पूरा इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है। सो गाइस अभी चल रहे हैं इस लोकेशन के अंदर और ये दोनों फुल मूड में आ चुके हैं, अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। बाकी यहाँ पे गाइस काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो आप फर्स्ट टाइम देखोगे, जैसे कि ये क्रेन है पीछे मेरे, ये भी आपको फर्स्ट टाइम ही देखने को मिलेगी। और भी गोस ऑन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप देखोगे यहाँ पे के फर्स्ट टाइम आप मतलब लाइफ में एक्सपीरियंस करोगे उस चीज़ का। एंड अभी कुछ है गाइज यहाँ पे भी ट्रेन्स वगैरह बड़ी अजीब सी, हाँ इसको धक्का मार के अभी लेके चलते हैं हम। धक्का हाँ, बाकी गाइज आप देख सकते हो ये मोनो पहुँचा है धक्का मारने, मैं आपको दिखाता हूँ। गाइज एक पोर्शन इसका ये है, ये भी अभी हम ट्राई करेंगे, ये आप देख सकते हो कितनी ज़बरदस्त है गाइज, ये पूरी जा रही है यहाँ से, देख सकते हो। अभी इसमें भी हम जाएंगे गाइस, लेकिन इसके लिए बहुत लंबी क्यू है तो अभी हमने इसको थोड़ा पोस्टपोन करा है। बाकी अभी फिर यहाँ चलते हैं, ये दोनों भाई इसको धक्का मार के चलाने के पीछे कहना, तुम दोनों हल्क नहीं हो जो तुम्हारे धक्का देने से चल पड़ेगी, कम थोड़ी है, ट्राई करके देख ले। बाकी गाइस अभी इन दोनों को एक नया मुजस्सिमा चढ़ा है, ये इसको धक्का मारने, और देखो तो गाइस ये धक्का किसे मार रहे हैं, वीडियो शूट हो रही है, झूठ नहीं बोल सकते आप लोग। भाई हिला है, बिल्कुल हिला है ट्रेन, नहीं आपके शरीर का इंजर विंजर हिला होगा, नहीं मैंने देखा भाई, हो सकता है आपको सही फील हुआ हो, ट्रेन नहीं हिली, आपके शरीर का इंजर विंजर हिला होगा, आप चेक करो। हाँ मैं वही कह रहा हूँ, ट्रेन नहीं हिली होगी। सो गाइज दिखाया हमने आपको पूरा रेल म्यूजियम, कोई लोकेशन गाइज नहीं बची, अभी सिर्फ एक पार्ट बचा है जो है ट्रेन राइड, तो अभी हम वही लेने जा रहे हैं। और बाकी गाइज हमें बहुत मजा आया यहाँ पे आके, हमने नए नए एक्सपेरिमेंट भी करे, मोनू के एक्सप्रेशन से साफ पता चला कैसे एक्सपेरिमेंट हुए होंगे। बाकी गाइज अभी एक फाइनल पार्ट बचा है ट्रेन राइड का, भी वही करने जा रहे हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और पास ही में आपको बेल आइकन नजर आ रहा होगा, उसे प्रेस जरूर कर देना गाइज। फिर चलते हैं ट्रेन राइड के लिए, फिर लास्ट पोर्शन बचा है दिखाते हैं फिर आपको वो भी। सो गाइज फाइनली लास्ट पोर्शन जो बचा था उसके अंदर जा रहे हैं और ये अभी मैं एंटर हो रहा हूँ, ये आप देख सकते हो गाइस इस वक्त मैं एंटर हो चुका हूँ, ये मैं बैठा हूँ और ये रहा मेरे साथ मनु। तो फिलहाल अभी ये राइड स्टार्ट होने वाली है और दिखाते हैं इस राइड का क्या है, क्या पंगा है। ये यहाँ से फिर अभी ट्रेन रवाना हो रही है, मैं आपको दिखाऊँ थोड़ा आगे से, ये आप देख सकते हो पूरा म्यूजियम जंक्शन से हम निकल चुके हैं एंड अब ऐसी तरह से गाइस ये अनारकली खड़ी थी एंड ये सारा एंड जबरदस्त है गाइस ये एंड सो ऑन पार्ट गाइस, काफ़ी सारी फैमिलीज भी हैं एंड वो आप इस तरह से देख सकते हो एंड इधर भी है गाइस कुछ पार्ट्स, ये आप देख सकते हो सारे ट्रेन से गाइस, ये सारे मैंने अभी आपको दिखाया था वीडियो के अंदर, ये सारी वही ट्रेन हैं एंड ये आप देख सकते हो गाइस। The dark gets lonely, now I see violence.
all that I see. And your stars have burnt out, and your heart makes no sound. I'll find valid in your eyes. You'll always be my night sky. फाइनली गाइज अभी इस रेल के पार्ट से बाहर आ गए, ऑलमोस्ट सारी लोकेशन कवर हो गई है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको वीडियो कैसी लगी गाइज हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और पास में आपको बेल आइकन दिख रहा होगा उसको प्रेस करना ना भूलिएगा। हाँ गाइज, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। बाकी अभी के लिए तो इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए सी यू गाइज।